राजस्थान में 21 अक्टूबर को दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां आरएलपी और बीजेपी के बीच कुछ समय से सीटों को लेकर खींचतान जारी थी। बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हम साथ लड़े और हमने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और अब इन उपचुनाव में भी हम साथ लड़कर कांग्रेस को हराएंगे। मंडावा में बीजेपी को आरएलपी सपोर्ट करेगी। गहलोत पर निशाना साधते हुए बोला गहलोत केवल अपने बेटे की बेरोजगारी दूर करने में लगे हैं और गहलोत को बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। निगम चुनाव में भी कांग्रेस का सफाया करने की बात कही। कहता हूं के साथ बात करी, दिल्ली के अंदर हम आपके साथ है, हम राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस मुक्त राजस्थान चाहते हैं जैसा भारत कांग्रेस भारत हुआ था। और इन परिस्थितियों के अंदर आरएलपी से क्योंकि मैं विधायक था, एमपी बीजेपी के सहयोग से बना, तो आरएलपी को आप संयुक्त के अंदर मदद करें और आरएलपी मजबूती के साथ मंडावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रात और दिन एक करेगी और दोनों सीटें कांग्रेस को हरा के जो राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो आज हालात है राजस्थान के अंदर, आज सिर्फ अशोक गहलोत अपने बेटे की बेरोजगारी को खत्म करने में लगे, उसको आर सी एफ चेयरमैन बनाना चाहते हैं, उनका रोल को कोई मतलब नहीं। वैकेंसी निकली, कानून का हालात आप देखे होंगे, जिस तरह बेरोड़ थाने के अंदर घटना हुई है, 147 लेके और एक हार्ड कोर अपराधी को छुड़ा के ले गए और सारा सारा जो फोकस है सीएम का, सबसे बड़ा करप्शन होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में उन्होंने 6% पाते विधायकों को जो हाथी की सवारी करके विधानसभा में